कर रहे हैं, नया टॉपिक हमारा है कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल। मींस बार बार हम टेंजेंट्स की चर्चा कर रहे हैं, तो टेंजेंट्स ड्राइंग करना एक कहाँ मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके लिए हम स्पेशली क्लास टेंथ में कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। और वो कंस्ट्रक्शन बेस करता है क्लास सिक्स टू टेंथ के बीच की बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको हमें बार बार ध्यान रखना होता है। और इस तरह से जो ड्राइंग हम सीखते हैं वो हमारे लिए लाइफ लाइन का काम करती है। तो सेम कंडीशंस में हम यहाँ पर बात करते हैं, आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल, मतलब टेंजेंट टू ए सर्किल पर कंस्ट्रक्शन करना है। एग्जांपल वन कर रहा है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 1.8 cm, कि एक सर्किल हमारा 1.8 cm का है, इस पर हमें टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 2.8 cm, और दूसरा इस पर कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, मतलब एक सर्किल के ऊपर दूसरी सर्किल है और उसका रेडियस 2.8 cm है। एंड मेजर इट्स लेंथ, और इसकी लेंथ मेजर करना है, किसका टेंजेंट लेंथ मेजर करना है। आल्सो अगला वर्ड क्या करना है, आल्सो आल्सो वेरीफाई द लेंथ ऑफ लेंथ बाई कैलकुलेशन। एक तो आप जनरली इसको मेजर करके मतलब बाय स्केल मेजर कर लेते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट मालूम हो जाता है, और दूसरी शर्त क्या होती है कि नहीं अभी इसके अलावा फिर क्या करना है, कैलकुलेशन करके कीजिए। तो दो कंडीशंस होती है, टेंजेंट ड्रा करना, टेंजेंट ड्रा करने के बाद लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने के लिए दो प्रोसेस हैं, पहला है बाय स्केल आप उसको मेजर कर लेते हैं, दूसरी कंडीशंस होती है कि ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स के आधार पर हम उसको कैलकुलेशन भी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास एक हुनर के रूप में काम करती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन द केस ऑफ सॉल्यूशन ड्रा टू सर्किल्स, दो सर्किल पहले हम ड्रा करते हैं, दोनों सर्किल कैसी हों, विथ कॉमन सेंटर हो, जिनका सेंटर वो दोनों सर्किल के लिए वो सेंटर कॉमन हो, ठीक है। एंड रेडियाई 2.8 cm एंड 1.8 cm, और दोनों के रेडियाई क्या हों, एक का जो छोटी वाली सर्किल है वो छोटी वाली सर्किल जो है 1.8 cm हो, और दूसरी सर्किल क्या हो 2.8 cm, लेकिन दोनों की डिस्टेंस कहाँ से काउंट की जाएगी, सेंटर ओ से ही, इसी नाते इसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है टेक ए पॉइंट पी ऑन द आउटर सर्किल एंड ज्वाइन ओ पी, कहने का मतलब कि आउटर सर्किल पर एक पॉइंट पी लेते हैं और पी पॉइंट को ओ पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, तो इस तरह से एक ओ पी लाइन सेगमेंट हमें मिल जाता है। तो ये चीज फिगर में आपके दिख रहा है, फ्रॉम ओ टू पी, बात समझ रहे, ये आउटर पॉइंट के रूप में काउंट किया जा रहा है, यहीं से हम टेंजेंट को ड्रा करेंगे। और ये पॉइंट है कहाँ, ये आउटर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पार्ट पर है, ठीक है। सेम कंडीशंस में थर्ड पॉइंट कह रहा है ड्रा बाइसेक्टर ऑफ ओपी एट यम इज ए मिड पॉइंट, मतलब यहाँ से ओपी का बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो ओपी का बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आप जानते हैं एक बार पी को सेंटर बना करके आधे से अधिक की दूरी लेकर के आर्क लगा देते हैं अप एंड डाउन, सेम कंडीशन में ओ को सेंटर मानते हुए इस आर्क को कट करते हैं, जहाँ ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से लाइन ड्रॉप कर लेते हैं। जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो किस पॉइंट पर यहाँ से टच कर रही है, ओपी को, यम पॉइंट पर। तो इन अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल थ्योरम ओपी इज इक्वल टू ओएम, कहने का मतलब कि यहाँ से ओपी की वैल्यू जो है वो क्या है, यम इज द मिड पॉइंट, तो ओएम इज इक्वल टू पीएम हम कह सकते हैं, बात समझ रहे हैं। अगर ओपी की बात करते हैं तो ओपी क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ओएम या टू टाइम्स ऑफ पीएम, तो ये कहने की बात है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टेकिंग यम एज सेंटर, अब हम क्या करते हैं यम को सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, तो यम को ये सेंटर पॉइंट जो मानते हैं तो ये क्या करता है एंड पीएम एज रेडियस, और इस तरह से चाहे पीएम को ले लीजिए अदरवाइज ओएम को ले लीजिए किसी एक को, क्योंकि दोनों रेडियस वहाँ पर दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ऐसे कंडीशंस में इनको रेडियस लेकर के ड्रा ये डॉटेड सर्किल। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर को बनाने में थोड़ा सा ओवर राइटिंग करना पड़ा स्केच का, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मार्कर को बार बार ओवर राइट करने में, ये बहुत साफ फिगर नहीं बन पाता। तो ऐसी कंडीशंस में
ये जो डॉट डॉट लाइन मतलब जो थर्ड सर्किल आपको दिख रही है, ये थर्ड सर्किल किसके द्वारा बनाएगी? थ्रो सेंटर M, मतलब कि M को सेंटर मानते हुए OM रेडियस या PM रेडियस किसी एक को सिलेक्ट करके, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस हैं, तो उसके द्वारा ये सर्किल ड्रा कर ली गई। और ये सर्किल जो ड्रा की जा रही है वो इस पॉइंट को जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रा हुआ था वो परपेंडिकुलर को A और B पॉइंट पर टच करती है। तो सेम कंडीशंस में वही कहना चाह रहे हैं, टेकिंग M एज सेंटर एंड PM एज रेडियस, कि PM को रेडियस लिया गया, थ्रो ये डॉटेड सर्किल जिसके द्वारा एक डॉटेड सर्किल बनाई गई, व्हिच इंटरसेक्ट द इनर सर्किल एट टू पॉइंट्स, जो इनर सर्किल को अंदर वाली सर्किल को दो बिंदुओं पर काटती है, से ए एंड बी, उनका नाम हम क्या कर देते हैं, ए और बी, मतलब ए पॉइंट हमारा ये है और बी पॉइंट हमारा ये है, तो ए और बी ये इनर सर्किल का पॉइंट है जिस पर वो इंटरसेप्ट करती है। ज्वाइन ए पी एंड बी पी, अब हम क्या करते हैं, ए से पी को टच करा देते हैं, मतलब कि टेंजेंट लाइन के रूप में, और दूसरा पी से बी को टच करा देते हैं, तो वही कह रहा है ज्वाइन ए पी एंड बी पी, दस वी गेट ए पी एंड बी पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। इस तरह से ए पी और बी पी हमारा क्या बन गया, एक रिक्वायर्ड टेंजेंट्स बन गया। और मेजरिंग द लेंथ, मतलब ऑन मेजरिंग द लेंथ, अब इस लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं, जो हमने कहा ना कि इसका मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, बाय स्केल, यहाँ से P से A की डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए, वही काम P से B की डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, दोनों डिस्टेंस सेम आएंगे। और वो डिस्टेंस मेजर करने के बाद एक्चुअली क्या मिलनी चाहिए, 2.14, क्योंकि यही चीज़ कैलकुलेशन में भी आ रही है, तो 2.14 PA इज इक्वल टू PB, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, यही टेंजेंट्स का लेंथ इसमें दिया गया है। अब इस चीज को हम वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, आल्सो वेरीफाई द लेंथ बाय कैलकुलेशन, लेंथ को वेरीफाई करना है किसके द्वारा, थ्रू कैलकुलेशन, क्योंकि हम इसको PA इज इक्वल टू PB कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज क्लियर नहीं होती, भाई 2.14 क्यों मान लें, इसलिए मान लीजिए कि P से A की डिस्टेंस आप स्केल द्वारा मेजर करेंगे, अपने आप पता लग जाएगा, मे बी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो ठीक है, हम कैलकुलेशन करके भी दिखा देते हैं, तो ठीक है, तो इन द केस ऑफ कैलकुलेशन क्या करते हैं, ज्वाइन OA, देन OA इज इक्वल टू 1.8 cm, अब हम क्या करते हैं, O से A इस पॉइंट को ज्वाइन करा देते हैं, और ये पॉइंट हमारा क्या करता है, एज ए रेडियस है, तो यहाँ पर ये जो रेडियस है वो रेडियस सर्किल का रेडियस पहले ही बताया गया क्वेश्चन में कि 1.8 cm है, ठीक है, तो OA इज इक्वल टू 1.8 cm एंड OP इज इक्वल टू O से P की डिस्टेंस, क्योंकि ये आउटर सर्किल का पॉइंट है और इनर सर्किल का सेंटर, आउटर सर्किल का सेंटर दोनों सेम है, तो O से P की डिस्टेंस कितना दिया है, 2.8 cm दिया है, एंड एंगल PAO, अब जो एंगल बन रही है कि एंगल PAO, ये वाली एंगल, तो ये टेंजेंट का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का एंगल होने के कारण हम उसको क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर लेंगे, जो पैथागोरस बहुधाइन पैथागोरस वाली थ्योरम को फॉलो करेंगे, तो एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री इन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स, सो इन ट्रायंगल PAO, इसलिए ट्रायंगल PO की PAO की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ट्रायंगल PAO के माध्यम से हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, बाय PGT, तो PGT पैथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का वर्क कौन कर रहा है, O से P की डिस्टेंस, और इसके साथ साथ A से P की डिस्टेंस, और दूसरी आपकी क्या है, A से O की डिस्टेंस, तो दैट इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, AP हमें मालूम नहीं है, इसी की लेंथ आपको पता करना है, चाहे PA हो या PB, दोनों लेंथ सेम होगी, तो यहाँ से हम AP के माध्यम से पहले निकाल रहे हैं, तो OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, जिसमें OA स्क्वायर हमारा क्या है, वो परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर है, और दूसरा हमारा AP स्क्वायर बेस है और परपेंडिकुलर के साथ साथ हाइपोटेन्यूज आप देख ही रहे हैं OP की डिस्टेंस, तो ऐसी कंडीशंस में OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ। अब OP की डिस्टेंस आपके क्वेश्चंस में ही दिया गया है 2.8 cm है, तो 2.8 cm यही चीज सेंटर से P की डिस्टेंस भी है, आपको मालूम ही है,
तो वहां 2.8 cm का होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि OP स्क्वायर निकालना है, दैट इज इक्वल टू OA स्क्वायर। तो OA की वैल्यू क्या है, ये रेडियस आपको मालूम ही है, रेडियस इसने क्या दिया है 1.8 cm दिया है, तो 1.8 cm की होल स्क्वायर कर दी। AP की डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, यही इसका टेंजेंट लाइन है। तो ऐसी कंडीशंस में टेंजेंट लाइन की डिस्टेंस हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, नाउ AP स्क्वायर इज इक्वल टू 7.84, 7.84 मतलब 2.8 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, तो 2.8 है, इस नाते 2 प्लेस पर डेसिमल लगने से 7.84 हो जाएगा, और 1.8 का होल स्क्वायर करने पर 3.24 होगा, ठीक है। तो इस तरह से 7.84 माइनस 3.24 और इनसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद यूनिट आपकी सीएम स्क्वायर रही है, तो क्या आता है आफ्टर द सब्ट्रैक्शन 4.6 सीएम स्क्वायर, और 4.6 सीएम स्क्वायर किसकी वैल्यू है, एपी स्क्वायर की, और हमें चाहिए क्या एपी की डिस्टेंस चाहिए, तो एपी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4.6 सीएम, 4.6 सीएम का स्क्वायर, ये सीएम जो है स्क्वायर रूट से बाहर है तो सीएम है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर होता तो सीएम स्क्वायर होता, तो 4.6 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2.14 सीएम अप्रॉक्सीमेट आता है। तो सेम कंडीशंस में दस बी गेट पी ए इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 2.14 सीएम आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। इस तरह से पी ए इज इक्वल टू पी बी दैट इज इक्वल टू 2.14 यही रिक्वायर्ड टेंजेंट लेंथ होगी, और इस लेंथ को कुछ लोगों को अगर डाउटफुल हो तो क्या करते हैं 4.6 आपके पास है इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 4.6 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आपका इंटीजर पार्ट्स है, और इसके साथ साथ डेसिमल पॉइंट में लेंगे तो हर समय एक का पूर्ण 0 0 का बढ़ता जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट्स का कपल नॉन इंटीजर्स के साथ नहीं बनाएंगे, कुछ लोग यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं तो 4 और 6 दोनों को एक कपल बना लेते हैं, तो ये गलत तरीका है। 4 इसमें इंटीजर पार्ट्स है तो पहले इंटीजर्स पार्ट को डिवाइड कर लेंगे तब नॉन इंटीजर्स में जाएंगे। तो सेम कंडीशंस में 4 क्या हो गया इंटीजर पार्ट्स, तो इसको डिवाइड कीजिए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 प्लस 2 4 आया, और ये क्या किए 4 माइनस 4 नथिंग है वैल्यू, डेसिमल गया, डेसिमल आप ले जाइए। अब आप दो दो अंकों का कपल उतार सकते हो, तो यहाँ पर दो अंकों का कपल बनाओगे तो ये 2 बन जाएंगे, आगे 2 इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6। तो 6 होने पर तो पहला इसका कपल तो बन नहीं रहा है नॉन इंटीजर्स में, क्योंकि हम इसमें डेसिमल के बाद जो है कपल के तौर पर क्या लेंगे 5 2 2 का कपल लेंगे, तो 6 हमारे पास है तो पहले 6 को हमें डिवाइड करना होगा, तो 4 तो यहाँ पर 6 माइनस 4 करेंगे, और ये 4 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 6 माइनस 4 2 आ गया, अब एक कपूल आ गया तो 200 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 8 की टेबल पढ़िए 20 से ज़्यादा ना हो, तो 8 3 24 8 4 32। अगर हम सपोज कीजिए कि 4 टाइम्स ले जाते हैं तो क्या इसको चेक कर लीजिए जाएगा 4 4 16 और 4 8 32 +1 33 बहुत ज़्यादा वैल्यू जा रही है। तो सेम कंडीशंस में ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होने पर ये कंडीशंस आएगी, यहाँ पर ही मिस्टेक्स हो रही है, यहाँ पर एक 0 कपूल का उतार लेंगे तो कपूल उतार लेंगे तो 600 सीधे आ जाएगा, और जब इसको यहाँ पर 1 टाइम्स ले जाएंगे तो 41 यहाँ पर सामान्य तौर पर जाएगा, तो 41 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से अगर ये देखते हैं क्या करते हैं कि सामान्य तौर पर 2 प्लस 2 4 हुआ था, अब यहाँ से पहला 0 ये निकाले तो यहाँ पर 6 है, और 6 के साथ कपूल जोड़ना है तो उधर से ही कपूल बनाइए राइट हैंड से, तो राइट हैंड से कपूल बनाएंगे तो एक 0 पहले आपको नहीं लेना होगा, तो पहले आप क्या करेंगे 60 उतारिए, और 60 उतारेंगे तो 41 वन जा 1 टाइम्स ले जाइए, तो 1 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 41 हुआ। अब 41 को जब माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, 5 माइनस 4 1 आ गया 19। अब अगला कपूल 0 का उतरेगा 1900 हुआ, और यहाँ पर
जो 1 ऐड हुआ है तो ये क्या कर दिया, 41 प्लस 1 42 कर दिया, तो अब 42 हो गया। अब 4 की टेबल अगर हम पढ़ते हैं 19 से ज्यादा ना हो तो 4 4 जा 16, लेकिन जब 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 4 उसके साइड में भी राइट करना पड़ेगा, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और 4 4 जा 16। 5 टाइम जाने कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो आपने देखा कि ये कंटिन्यू डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस में 2.14 इज योर स्क्वायर रूट वैल्यू। इस तरह से आपने देखा कि जो दो टेंजेंट्स हमारे थे PA और PB, दोनों का कैलकुलेशन प्रोसेस से भी हमने टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट कर दिया, 2.14 आया, और वो 2.14 कैलकुलेटेड वैल्यू है। इस नाते इसमें कोई डाउटफुल होने के चांसेस नहीं है। फिर भी इस कंस्ट्रक्शन को कम से कम 3 या 4 टाइम्स फिगर बाय पेंसिल कंपास स्केल के माध्यम से बनाएंगे तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंडीशंस में होता है फिगर, और मुश्किल से 2 या 3 लाइंस आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट करने होते हैं। कैलकुलेशन कर दीजिए, इतना करने से आपको 7 मार्क्स बड़े आसानी से फाइंड आउट हो जाते हैं UP बोर्ड में, 5 मार्क्स या 6 मार्क आपको CBSE बोर्ड में मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जितनी देर में आप थ्योरम्स नोट करते हैं एक भी स्टेप मिस्टेक हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम पॉइंट देने की कोशिश कीजिए, मे बी 1-2 पॉइंट आपका छूट भी जाता है और फिगर आपका करेक्ट बना होता है तो आपको फुल मार्क अवार्ड कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी फायदे की चीज़ होती है कंस्ट्रक्शन के केस में, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं एक फाइनल कंस्ट्रक्शन के लिए, और उस कंस्ट्रक्शन के बाद फिर सीधे हम लोग अगले चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।